धीरज भाई, और अगस्त क्रांति दिवस भी है। हम लोग ये चाहते हैं इसको आदिवासी किसान क्रांति दिवस की तरह मनाया जाए। आज जो हमारी सरकार है, आज किसानों की ऐसी दुर्दशा कि 3 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली इस देश में पिछले 20 सालों में, जो इतिहास में किसी देश में कभी नहीं हुआ। ये दुर्दशा क्यों हुई? क्योंकि सरकार जो नीतियां बना रही है, चला रही है किसानों के लिए, वो सब बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा कराने के लिए, रसायन की कंपनी को फायदा कराने के लिए, पेस्टिसाइड की कंपनी को फायदा कराने के लिए, बीज की कंपनी को फायदा कराने के लिए, बड़े बड़े बांध बनाने वाली कंपनियों को फायदा कराने के लिए इस तरह की नीतियां चलाई गई हैं, जिससे धीरे धीरे किसान का पैसा जो लगाया जाता है अपनी उपज करने में, वो तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन उससे जो उपज होती है वो कम होती जा रही है। सरकार ये सोचती है कि उसके लिए किसान का बस एक ही फायदा है कि किसान की जमीन किसी तरह से हड़प लो, और बड़े बड़े उद्योगपतियों को बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, इंडस्ट्री वगैरह के लिए दे दो। जबरदस्ती होने पौने दाम में जमीन खरीद ली जाती है, जमीन अधिग्रहण कर ली जाती है, जबकि किसान उसके खिलाफ लड़ते रहते हैं। तो साथियों, आज ये समय आ गया है, ये जो जय किसान यात्रा जो निकाली है, ये सिर्फ इसलिए है कि पूरा देश आज फिर से किसान की समस्या के ऊपर विचार करे, किसान को न्याय दिलवाए, और सब किसान खड़े होकर अपने लिए न्याय की मांग करें। सिर्फ किसान ही नहीं, पूरे देश के सारे लोग, क्योंकि किसान ही हमारा अन्नदाता है। आज अगर हम खाना खाते हैं तो किसान की वजह से खाते हैं, और अगर आज ये हमारी आज अगस्त क्रांति और ये आदिवासी दिवस को हमने एक किसान आदिवासी क्रांति दिवस में परिवर्तित कर दिया, और किसान के लिए एक क्रांति इस देश में, क्रांति की आवाज उठती है और किसान को न्याय मिलता है, तब फिर वो दिन आएगा जब खिलाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, और नया जमाना आएगा।